बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ये जो डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, ये दामन और स्लीव पे डिज़ाइन बनाया है मैंने। ये ट्राउज़र पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, चाहे आप ट्राउज़र पे बनाएं या स्लीव दामन पे बनाएं। व्यूअर्स, इस डिज़ाइन को आप आसानी के साथ घर में बना सकती हैं। ये शर्ट तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो आप भी एक दफ़ा ट्राई करके देखें, यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। तो आइए व्यूअर्स, शर्ट की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। शर्ट की डिज़ाइनिंग करने के लिए चौड़ाई में आपको जितना कपड़ा चाहिए, जितना शर्ट का बॉर्डर आप रखना चाहती हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से लें। मैंने तकरीबन 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और शर्ट की लंबाई के बराबर उससे तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, ताकि जब मैं कपड़े पे पेंटिक्स डालूँ तो कपड़े की चौड़ाई कम ना हो। तो इसी तरह सारे कपड़े पे पेंटिक्स डाल लें। आप चाहें तो पहले मार्क कर लें, या फिर इसी तरह आप अंदाज़े से 1 इंच के फासले पे पेंटिक्स डालें। व्यूअर्स, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूअर्स, पेंटिक्स मैंने डाल ली हैं। अब जो मेरे पास ये जो शर्ट है, इसकी साइड पे मैंने पैनल डाली हैं, फ्रंट साइड पे पैनल डाली हैं, और इस पैनल के ऊपर मैं जिग जैग वाली ये डोरी लगाऊंगी। व्यूअर्स, डोरी मैंने लगा ली है। अब ये जो मेरे पास पेंटिक्स वाला कपड़ा है, इसके साइड पे मैं ट्राई एंगल लगाऊंगी। ट्राई एंगल लगाने के लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 कलर का कपड़ा स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया है। अब इस कपड़े के मैं ट्राई एंगल बनाकर लगाऊंगी। ट्राई एंगल को बिल्कुल साथ साथ लगाएं। ट्राई एंगल को मैंने एक साइड पे लगा लिया है, अब कपड़े की दूसरी साइड पे भी इसी तरह ट्राई एंगल को लगाएं। अब डिज़ाइनिंग वाले कपड़े को शर्ट के साथ अटैच करें। अब दामन पे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएं।
आप कपड़े को सीधा करें और जिग जैग वाली डोरी लगाएं। अब ये जो डोरी है दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगाएं। व्यूअर्स, शर्ट की डिज़ाइनिंग तैयार है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू व्यूअर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।